जुल्करनैन ताहिर, आपकी बड़ी गहरी नजर होती है। बड़ी दिलचस्प बात है कि कल इतलात ये थी, मुझे मुसद्दिक का इतलात नहीं है, लेकिन वो जब NA-130 में गए, मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी भी थी, तो वहां से कोई इतने खुश वापस नहीं लौटे, और फिर किसी की कोई खिंचाई विचाई भी हुई, क्योंकि उनका वो कहा यह जाता है कि उनके इन लॉज का वो हल्का है, इन लॉज का बहुत बड़ा सपोर्ट है वहाँ पे, तो उनको वो फिर फील हुआ कि यार मतलब मैं अपने इन लॉज में गया हूँ और इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। एक बात, दूसरी बात ये कि बिलावल लाहौर से लड़ रहे हैं और अता तारड दोनों की एक्चुअली वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो दोनों ही बाहर से आए हैं, उसका भी मुआवजा कीजिएगा। और दूसरा, आज का जलसा पीपल्स पार्टी का पंजाब में, गुजरात में काफ़ी बड़ा नज़र आया, क्योंकि मंडी बाउद्दीन और सब इर्द गिर्द सारे इकट्ठे थे वहाँ पर गुजरात में, तो उसको क्या कैसा देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने पहले इसकी बात की, NA-130 ओल्ड लाहौर है जहाँ पे मियाँ साहब लड़ते रहे हैं और मियाँ साहब की मरहूम बेगम भी लड़ी हैं वहाँ से। इस हलके में मियाँ साहब थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं रैली निकाल के। इनको था तो यही कि ओल्ड लाहौर इनके लिए निकलेगा, पहले भी निकलता रहा माजी में, लेकिन ये जिसे कह लें शायद ये चेंज लाहौर है दिस टाइम अराउंड, जब वो वापस आए हैं, जो सारा सीन है वो आपके सामने है। और यही वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि वो उन्होंने कोई 7 पॉइंट वहां पूरे कवर किए, फ्रॉम टेक्साली गेट ऑनवर्ड करते करते जिला कचहरी तक उन्होंने कंक्लूड किया, 4 घंटे लगाए, लेकिन किसी भी पॉइंट पे उन्होंने एड्रेस नहीं किया। देखिए, आज मरियम बीबी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनका पहला विजिट था NA-119 में, तो वो गई है और वहां पर उन्होंने एड्रेस किया और बल्कि उन लोगों को कहा कि आप मुझे जितवा दें यहां पे, आई प्रॉमिस यू कि मैं यहां पे परमानेंट स्टे करूंगी, इन टर्म्स ऑफ अपना ऑफिस खोलूंगी, आपके मसाइल सुनूंगी, रेगुलर विजिट करूंगी। तो इस तरह का मियां साहब वी कुड हैव डन इट, किसी एक पॉइंट पे बात कर लेते, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी कंसर्न थे, तो सिक्योरिटी कंसर्न तो फिर सभी जगह पे ही हैं जहां पे आप जाके एड्रेस कर रहे हैं। तो ये डिसअपॉइंटिंग था इनके लिए। बिलाल यासीन इनका रिलेटिव है और वो वहां से वो साफ कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई अच्छा शो पुटअप नहीं कर पाए, और रैली के स्टार्ट में ही थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आ गई, 2 शेर मंगवा लिए, बाद में ख्याल आया कि ये तो एनिमल राइट्स वाले लोग बात करेंगे और ये बहुत पुअरली रिफ्लेक्ट होगा हम पे, तो फौरी उसको वापस भिजवाया, तो उसके बाद फिर लेटर ऑन। तो ये कोई मतलब कोई इनको प्रॉमिसिंग किस्म का रिस्पांस तो लाहौर से आ नहीं रहा। आज ही अब जो लाहौर की सबसे ज्यादा जो अंडर द स्पॉटलाइट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है NA-127, जहां से आपने जैसे कहा कि बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं, देखें बिलावल भुट्टो साहब भी आउटसाइडर हैं, अता तारड़ भी आउटसाइडर हैं, और PTI के डार्क हॉर्स हैं ज़हीर अब्बास खोकर। लेकिन ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी का विजिट करें, आई विजिटेड ओवर देयर, तो माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। आपको पूरे लाहौर में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कहीं लगेगा कि मुकाबला हो रहा है तो वो आपको NA-127 में नजर आएगा। बाकी तरफ तो जाहिर है दूसरे जो लोग हैं जो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी मुश्किलात हैं, ऑब्वियस हैं, तो उस तरह से आपको उनकी प्रेजेंस भी फील नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा मजेदार मुकाबला चल रहा है और यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी काफी है, यहाँ पे मतलब ओवरऑल लो इनकम ग्रुप एरिया है सारा, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कोल्ड लखपत वगैरह, तो यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, और आसफा भी यहाँ पे जो लैंड करके कई दिनों से कैंपेन कर रही है, अच्छा रिस्पांस इनको मिल रहा है, तो अता तारड़ के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, लेकिन वो भी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो ये अगर इसमें वोट डिवीजन होता है, यू नेवर नो कि वो शायद सीट यहां से निकाल सके। तो और मंडी भावदीन का क्विकली उस पर भी कमेंट कर दूं, और जो तो गुजरात वाला शो है उसमें जाहिर है कारा जी 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 वो उसमें आप कारा साहब को क्रेडिट दे लेंगे कि जो जो अच्छा जलसा इन दैट कॉन्टेक्स्ट हुआ है। नहीं बिल्कुल, कमर जमान कायरा साहब ने बड़ा बड़ा अच्छा शो रखा था वहाँ पे और बड़ी दुनिया थी यकीनन है। आपने जो वो शेरों की बात की कि वो कोई शेर लेके आ गया था, तो मैदान में तो फिर एक ही शेर होता है ना, मियाँ साहब ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके होते हुए कोई और शेर असल शेर आ जाए। असल शेर आ जाए।